हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ आलू के हलवे की रेसिपी। ये हलवा बनाने में बहुत ही इजी है, तो चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ मैंने 5 उबले हुए आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने मैश कर लिया है। यहाँ नॉन स्टिक कढ़ाई में मैं 3 टेबलस्पून देसी घी डाल रही हूँ। जैसे ही हमारा घी थोड़ा सा गर्म होता है, हम हमारे इसमें उबले हुए मैश किए हुए आलू मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ नॉनस्टिक कढ़ाई में हलवा बना रही हूँ, क्योंकि नॉनस्टिक कढ़ाई में हलवा नीचे से लगता नहीं है। अगर आपके पास नॉनस्टिक कढ़ाई नहीं है, आप सिंपल कढ़ाई में हलवा बना रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा घी ज़्यादा डालना पड़ेगा, जिससे कि हमारा हलवा तले में लगे ना। अब हमें आलू को अच्छे से मिक्स करके भुनना है। हमें इसे लगातार चलाते हुए भुनना है। जितना ज़्यादा हम आलूओं को भुनेंगे, हमारा हलवा उतना ही टेस्टी बनेगा। इसे लगातार चलाते रहिए, धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगेगा। ये देखिए, हमारे आलू बहुत लाइट हो गए हैं, इन्होंने थोड़ा थोड़ा घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। इसे लगातार चलाते रहिए। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। यहाँ मैंने आधा कप शक्कर डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शक्कर डालने के बाद भी हमें इसे काफ़ी देर तक भुनना है। जैसे जैसे चीनी पिघलेगी, कैरमलाइज हो जाएगी, तो हमारे हलवे का कलर भी चेंज होता जाएगा। इसे लगातार चलाते हुए भुनिए। ये हलवा खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। अक्सर ये व्रत में ज़्यादा बनाया जाता है। आप इसे नॉर्मली भी बनाकर खा सकते हैं। बस घर में रखी चीज़ों से आसानी से आप ये हलवा बना सकते हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं लगता है। ये देखिए, अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर। मैंने यहाँ 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाला है। इलायची पाउडर की खुशबू इसमें बहुत अच्छी आती है, टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है। देखिए, ये हलवा कितना लाइट हो गया है, इसका कलर भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून घी और। हाँ, हम इकट्ठा इसमें घी नहीं डालेंगे, ऊपर से जो घी हम डालते हैं उसका टेस्ट इसमें और ज़्यादा अच्छा आता है। ये देखिए, अच्छे से हम इसे भून लेंगे। ये काफ़ी हद तक गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है, आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ कटे हुए बादाम, पिस्ता और काजू डाले हैं। हमें इसे तब तक भुनना है जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाता। ये देखिए, हमारा हलवा करीब करीब गोल्डन हो गया है। इसने कढ़ाई छोड़ना भी स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं, साइड में घी निकल रहा है, यानी कि हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है। बस अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। ये हलवा खाने में बहुत ही टेस्टी बना है और दानेदार भी बना है। इसका रीज़न यही है कि हमने आलूओं को बहुत ज़्यादा देर तक भुना था। जितना ज़्यादा हम हमारे आलूओं को भुनेंगे, हमारा हलवा उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। मैं इसे थोड़े पिस्ता से गार्निश कर देती हूँ। देखिए, ये कितना दानेदार बना है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।